बैक टू माई चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कल आज है 30 दिसंबर और कल है 31 दिसंबर। कल बहुत स्पेशल डे है तो उसकी शुरुआत हम आज से करते हैं। और आज हम जा रहे हैं गुलासिंग मंदिर, जो हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। तो चलते हैं, आप सबको भी ले चलते हैं, आप सब भी हमारे थ्रू दर्शन कर लीजिए, मिलते हैं। लोग मंदिर के लिए तो निकल गए थे लेकिन हम लोगों के पास पैसे कैश एक भी नहीं था, तो हम चले गए ATM भैया से थोड़े से पैसे मांगने। और ATM में उतनी भीड़ नहीं थी तो हमने फटाफट पैसे निकाले। पिन नहीं दिखाएंगे, तो जैसे ही हमने पिन बताया ATM भैया ने फटाफट हमको पैसे दिए, हमने पैसे कलेक्ट किए। हमने पैसे कलेक्ट किए, काउंट किए, हो गया और अब आराम से निकलते हैं। थोड़े से पैसे हो गए तो फेस पे आ गई स्माइल, अदरवाइज हम लोग कैशलेस। ये है सहारा की बिल्डिंग। ये वाले मोमोज बिल्कुल अच्छे नहीं देता और महंगे भी देता है ना, कोई ना नहीं, जिसका मन होगा यार। किसी को वो नहीं, डिफेम नहीं कर रही हूँ। तो डरती हूँ क्या मैं? हम लोग जिसका मोमोज खाते हैं वो अभी लगाया ही नहीं है, उसके ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। तो वो लगाता है 4:30 के बाद वाले मोमोज के बारे में, मतलब उस मोमोज वाले के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे साक्षी? नहीं कहना चाहेंगे। कपूरथला चौराहा जहाँ पे हम लोगों को गुलाचिंग के लिए ऑटो मिलेगी। ये है महिंद्रा का मदर ब्रांच, जो इसका हेड ऑफिस शायद कहीं और ट्रांसफर हो चुका है, पर ये कहीं पे है। यहाँ पे कई सारी कोचिंग्स का वो है, जैसे करियर पावर हो गया, केडी कैंपस हो गया, अड्डा 24 हो गया, 24/7। तो ये अब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। मंदिर जाके क्या विश मांगेंगे आप? इनकम्प्लीट रह जाती है। चलिए ठीक है भाई, फिर मिलते हैं मंदिर। मंदिर में वैसे अंदर यहाँ पे फोटोज या वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मैं देखती हूँ अगर हो सकेगा तो मैं बनाऊँगी। ये है स्टैंड जहाँ पे आपको जूते चप्पल निकालने होते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज भी देना होता है। और ये है दुकान में, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर हाँ काम भर की चीज़ें मिल जाती हैं, लड्डू वगैरह वगैरह फ्लावर सीटर मिल जाएंगे। तो मंदिर खुलता है फिर चलते हैं, आप सबको भी दर्शन कराते हैं अगर पॉसिबल होता है तो।
ये है मंदिर का अपोजिट साइड से पूरा व्यू। काफ़ी अच्छा मंदिर है, जितना ये बाहर से दिखने में है उससे कहीं मतलब कई गुना उससे ज़्यादा अंदर है। अंदर दर्शन करके एकदम सुकून मिलता है, तो हम तो आते ही हैं। अगर आप लोग भी आइए इधर तो यहाँ दर्शन करके जाइए, काफ़ी अच्छे। हम लोग बाहर तो दूर दूर चले जाते हैं पर अपने आसपास नहीं जा पाते, और मैं अपने आसपास जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इन खर्चे में ज़्यादा अच्छे दर्शन होता है। पैसे भी तो बचाने हैं। और बन गए बेवकूफ़, आ गए इतने पहले, मंदिर खुलेगा 4:30 बजे, अब इधर उधर भटक रहे हैं भटकती आत्माओं की तरीके। चलो कोई ना, फुर्सत से टाइम मिल गया यही करने का, कर लेते हैं। जैसे 4:30 बजे फटाफट मंदिर भी खुल गया और ये फ्लावर्स की दुकान भी खुल गई। उधर साक्षी प्रसाद ले रही है वहाँ पे, और हम यहाँ पे फूल ले रहे थे हम दोनों लोगों के लिए। आपने रोजेस नहीं रखे हैं? ये 10-10 के दो दे दिए आपने? हाँ ले लो ले लो, हाँ ठीक है ले लो। ये मंदिर खुल गया है। ये खड़ी है मेरी स्कूल फ्रेंड, जिसका मैं फेस नहीं दिखा सकती भाई। मैं बता रही हूँ वीडियो में कि ये मेरी फ्रेंड्स खड़ी हैं जिनका मैं फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि इन लोगों को अपना फेस नहीं दिखाना भाई। तो मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मेरी दो फ्रेंड्स खड़ी हुई हैं। हाय तो कर दो यार, बोल मुंह से तो बोल सकती हूँ, मुंह तुम्हारा नहीं दिखा रहे हैं हम। साक्षी अंदर मेरे हाथ में, सोने कांच में। आप लोग भी करिए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन, और मांगिए अपनी अपनी विश जरूर पूरी होगी। हमने फटाफट दर्शन किया और उसके बाद फेरी स्टार्ट की, क्योंकि फेरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने अपनी वीडियो भी दिखाई साक्षी को। यहाँ पे तो दीवाना देवी सीताराम 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 सीताराम, हर तरफ बस सीताराम 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 सीताराम। इधर बजरंगबली के दर्शन करके फिर हम आते हैं इधर, जहाँ आगे छोटे से साईं जी का मंदिर बना हुआ छोटा सा, और फिर उधर स्टार्ट होता है माता जी से। तो काफ़ी प्यारा सा मंदिर है ये, और यहाँ पे हम लोग दर्शन स्टार्ट करते हैं माता रानी के दर्शन से। माता रानी इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं कि बस यही मन करता है इनको देखते रहो बस देखते रहो, बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत सुकून मिलता है दर्शन करके। उसके बाद इधर है भोलेनाथ जी का शिवलिंग है और नंदी जी हैं। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भोलेनाथ हैं, माता जी हैं और ब्रह्मा जी की भी मूर्ति है। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा फील होता है। उनके बगल में है लक्ष्मी नारायण और उनके बगल में है राधा कृष्ण, मतलब भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मेन उनके सारे वो हैं, उनके मतलब तीनों स्वरूप हैं यहाँ पे। और इतना अच्छा लगता है भाई, इतना मनमोहक स्वरूप है इनका कि दर्शन करके मन एकदम खुश हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। तो हम लोग तो मोस्टली जाते रहते हैं यहाँ पे, और मंदिर में भी, मंदिर काफ़ी बड़ा सा है और काफ़ी सुकून काफ़ी शांति मिलती है जाके। ये वाला पोर्शन मंदिर के बाहर बना है, मतलब बगल में ही बना है बाहर। ये कोई दो गुरु हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, फिर भी हमने इनको प्रणाम कर लिया, और क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ा। तो ये हैं गन्नू जी, ये हैं लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और फिर शक्ति, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये हैं हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ, रेणुक देव महादेव। तो इसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया और शाम हो गई थी, तो मंदिर की सारी लाइट्स भी ऑन हो गई थी, जिससे मंदिर की जो शोभा थी वो और बढ़ गई थी। और मंदिर का बाहर से भी जो मतलब जो उसका डिज़ाइन है इतना अच्छा लगता है, ये दो
देवियाँ, ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने छत को ऐसे रोक रखा है। बहुत प्यारा, बहुत बारीकी से काम हुआ है। और पता नहीं कब वो मैंने लिया था लाइट, उतनी अभी जैसे अंधेरा नहीं हुआ है उतना ना, तो उस तरीके से नहीं आ रहा है। शाम काफ़ी हो गई थी तो हम लोग दर्शन करके फटाफट सीधे भागे हैं वहाँ से। और ऐसे थोड़ा सा सामान था, ये कुछ स्पेशल है जो आप लोगों को वीडियो, आज के वीडियो में और आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ लेना था ले लिया था। अब हम लोगों को बस थोड़ा सा सामान और लेना था, लाइक सब्ज़ी और कुछ खाने के लिए। और फिर फटाफट हम लोग जा रहे थे। क्रिसमस का खुमार अभी भी जारी है और न्यू ईयर का चढ़ने वाला है खुमार, तो हम लोग जा रहे थे। मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही थी और ई रिक्शे की और अदर चीज़ों की ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मुझे इसको वॉइस ओवर करना पड़ा। फिर हम लोगों ने खरीदी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, हेल्दी हेल्दी, क्योंकि आजकल सेहत पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर कोई जिसको देखो वही बोल के जाता है दुबले हो गए हो। पालक वाली दाल खानी है? पालक ले लूँ? कल नहीं परसों बना लेंगे, बोलो। अंकल फिर इतनी दूर आना पड़ेगा ना। चुकंदर कैसे है? 20 रुपए किलो है। कितने कितने का है? आधा किलो चुकंदर भी दे दीजिएगा। 10 रुपए का है। हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो। आधा किलो गाजर दे दीजिए, आधा किलो चुकंदर दे दीजिए। बहुत दिनों के बाद ये हैं सिक्की मोमोज। और ये मोमोज भैया जी बहुत टेस्टी है, बोलो इनको। और भाई हम लोग निकले थे कितने सुबह और ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया हमारे काफ़ी लेट हो गया है। हम लोग फटाफट मोमो लेके निकलेंगे यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया। कोई ना, बहुत दिनों से बाहर का कुछ खाया नहीं, आज खा लेते हैं। मन बहुत ज़्यादा है और हाथों में हो रही है दुख दर्द पीड़ा, तो अब इसके आगे नहीं कैप्चर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।